Assalamualaikum viewer, you are watching Food and Fun with Naveed. तो viewer आज मैं बनाने जा रहा हूँ मटन कीमा with potato और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पकेगा और इसको पकाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मेरे साथ आए मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा पकेगा और पकाने का तरीका भी मेरा आपको पता डिफरेंट है मैं डिफरेंट तरीके से पकाऊंगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो चले आए मेरे साथ मैं बताता हूँ मैं इसको कैसे पकाता हूँ व्यूअर देखें पहले मैंने यानी कि प्याज और कीमा डाल के इनका कीमे का पानी खुश कर लिया अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगा थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे अभी ऑयल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे कीमे अभी अभी थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला हम इसके ऊपर यानी कि ऐड करेंगे थोड़ा सा ताकि कीमे की जो स्मेल है यानी कि ख़त्म हो जाए थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया हमने साबुत गरम मसाला अभी एक बर्तन में हम एक चम्मच हल्दी एक चम्मच लाल मिर्च दो चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच पीसी हरी मिर्च एक चम्मच पीसी काली मिर्च डाल दी पाउडर एक चम्मच एक चम्मच नमक में दो चम्मच लहसुन और गार्लिक यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट दो चम्मच ऐड करेंगे व्यूअर तो इंशाल्लाह ये हमारा यानी कि कीमा बहुत अच्छा बनेगा कर लेंगे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए और कीमा हमारा फ्राई हो गया अभी हम इसमें दो कटे हुए टमाटर और चार हरी मिर्चें डाल देंगे मिक्स कर देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे इसके बाद व्यूअर जो हमने मसाला बनाया था अब वो मसाला डाल देंगे मसाला डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे व्यूअर और मिक्स होने के बाद अभी हम इसमें आलू डालेंगे जो दो आलू कटे हुए हैं वो डालेंगे और मिक्स कर देंगे इसमें हम एक कप यानी कि पानी ऐड कर देंगे पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे आधा कप पानी का डालने के एक कप पानी के डालने के बाद हम इसको यानी कि रख देंगे पैन को कवर कर देंगे इसको कम से कम भी हम 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे और इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद इसको देखते हैं इंशाल्लाह ये पक जाएगा 10 मिनट के बाद ये पक जाएगा और इंशाल्लाह इसको फिर फ्राई कर लेंगे और कीमा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ तो व्यूअर देखें अभी 10 मिनट हो गए अभी खोल के देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह देखें यानी कि कीमा पक गया है अभी थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे हलाएंगे यानी कि पानी जितना भी खुश्क हो गया है माशाल्लाह कीमा पक चुका है अच्छी तरह फ्राई हो गया है अभी इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ और अभी व्यूअर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए डाल देते हैं और इसको एक मिनट रख देते हैं अभी तो देखें व्यूअर माशाल्लाह यानी कि मटन कीमा पक गया है माशाल्लाह बहुत अच्छा पका है खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पका है जी व्यूअर आपने देखा मैंने मटन कीमा विद पोटैटो पकाया माशाल्लाह बहुत अच्छा पका और बहुत ही टेस्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया मैंने अपने दोस्तों को टेस्ट करवाया तो इंशाल्लाह जब आप अपने घर में पकाएंगे तो मेरे तरीके से पकाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही पकेगा और बहुत मजेदार पकेगा अल्लाह आप सबको खुश रखे तो व्यूअर प्लीज कीप वॉच माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे अल्लाह हाफिज़